हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये रीजनिंग का लाइव टेस्ट फर्स्ट है और अगर आप इस टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते हैं तो इस तरीके के बहुत सारे लाइव टेस्ट मैं लेके आने वाला हूं आपके लिए रीजनिंग के, जिससे आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट जो दूसरे वाला लाइव टेस्ट है वो जल्दी लेके आऊँ तो आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। ये टेस्ट सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपका RPF हो, SSC GD हो, ग्रुप D हो, UP पुलिस हो या फिर अदर कोई एग्जाम हो। आप ये टाइमिंग भी नोट कर सकते हैं, करंट अफेयर की जो वीडियो मिलती है आपको डेली सुबह 7 बजे मिलती है, रीजनिंग की दोपहर 3 बजे मिलती है और मैथ की आपको रात को 9 बजे मिलती है। अगर आप चाहते हैं आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। और देखिए दोस्तों, इन सभी एग्जाम के लिए आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है जिनको आप लगा करके अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो ये 20 टेस्ट ₹120 में है, जिनका लिंक सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये ₹120 के टेस्ट जो है ये आफ्टर डिस्काउंट है, डिस्काउंट के बाद है। डिस्काउंट कोड आपका ये है, अगर आप इस डिस्काउंट कोड को नहीं भरते हैं तो यही टेस्ट आपको ₹149 में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो और ये टेस्ट जरूर पसंद आएगा और आप इसको लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है डायरेक्शन से। मैं क्या करूंगा, आपको टाइम नहीं दूंगा, अगर आपको जितना भी टाइम चाहिए वैसे ज़्यादा टाइम मत लेके ट्राई करिएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेके भी कोई फ़ायदा नहीं होता क्वेश्चन करने का। आपको क्या करना है, वीडियो को रोकना है 20 या 30 सेकंड के लिए, क्योंकि अगर मैं 20-30 सेकंड के लिए रुकूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वीडियो को आप रोक करके जितना टाइम चाहिए उतना लेकर के आप ट्राई करके और जो भी आपका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अगर ये प्रोसेस आपको अच्छा लगता है तो मुझे बताइएगा भी जरूर कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं इस तरीके के टेस्ट ही आगे लेके आऊँ। कोई भी अगर आप चाहते हैं कि चेंजेस मैं करूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है, इसमें बोला जा रहा है ए और बी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है और दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, यह आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम होता है अब और मैं आपको क्वेश्चन करके बता देता हूं। यहाँ पे ए और बी बोला गया है एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और यहाँ पे ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है और दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले ए उत्तर की ओर जाएगा 3 किलोमीटर, तो यहाँ से मैंने मान लिया कि ए ने चलना प्रारंभ किया और 3 किलोमीटर गया, दाईं यानी कि राइट साइड में मुड़कर फिर वो 4 किलोमीटर जाता है। तो ए इस टाइम पे कहाँ पे आ गया, ये आ गया भाई। उत्तर डायरेक्शन ये होती है, पश्चिमी होती है, पूर्वी होती है, दक्षिणी होती है, सभी को आपको पता होगा ये चीज़ें। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे लाइन में बोला जा रहा है, यहाँ तक आपका काम हो चुका है, 3 किलोमीटर जाने के बाद दाईं ओर मुड़ के 4 किलोमीटर जाता है। बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है, तो बी पश्चिम की ओर जाकर 5 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ पे बी ने पश्चिम की ओर चला यानी कि पश्चिम इस डायरेक्शन में, तो 5 किलोमीटर बी यहाँ से, उसने भी यहीं से चला स्टार्ट किया और यहाँ से यहाँ तक गया, फिर दाईं ओर यानी कि राइट साइड में मुड़ के 3 किलोमीटर यहाँ पे चला। तो बी अब यहाँ पे है, ए यहाँ पे है। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है और 3 किलोमीटर जाता है, वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। तो देखिए, क्वेश्चन तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं था ये, और आशा करता हूँ कि आपने भी इसका राइट आंसर कर दिया होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस 5 होगी, ये 4 है। तो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो इनकी टोटल डिस्टेंस बीच में कितनी हो गई, 4 ये हो गई और 5 यानी कि 9 किलोमीटर की डिस्टेंस इनके बीच में है। तो 9 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल था, आशा करता हूँ कि आपने सभी ने राइट आंसर कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है और इसको ट्राई करिए, जो भी आपका राइट आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, वीडियो को रोकिए और ट्राई करिए। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को रोक करके ट्राई कर लिया होगा और जो भी राइट आंसर आपका होगा वो कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। तो आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा, जो भी इसका राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में कर दिया होगा। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, देखिए कौन सा है इसमें गलत, ये 44 गलत है। रीजन कैसे, क्या क्यों, मतलब कैसे गलत है वो भी तो पता होना चाहिए ना। यहाँ पे देखिए +16 किया मैंने, 29 हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट +16 करेंगे तो 45 आना चाहिए था, यहाँ पे क्या है 44 है, फिर 45 में +16 करेंगे तो आपका 61 हो जाएगा और इसी तरीके से कैरी ऑन। यहाँ पे देखिए 24 में आपने 15 प्लस किया तो 39, फिर 15 प्लस किया तो 54 और 15 प्लस किया तो 69, यानी कि +15 चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे +16 चल रहा है, तो इस तरीके से सीरीज थी। बाकी यहाँ पे ये आपका यहाँ पे 15 प्लस हो गया था गलती से, जो कि 16 प्लस होना था। अगर 16 प्लस करते हैं तो 45 आता है, तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कोडिंग डिकोडिंग से।
तो जल्दी से ट्राई करिए और जो भी आपका राइट आंसर आता है उसका कमेंट बॉक्स में बताएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में इन्फॉर्म को JMGNSL लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में प्लेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो क्या कोड चल रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, क्या है कि इन्फॉर्म को इस तरीके से लिखा गया है, ये आप फाइंड आउट करिए, फिर इजीली प्लेयर का आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा राइट आंसर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करिए। ऐसा करता हूँ कि आपने वीडियो को रोक करके ट्राई कर लिया होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर किस तरीके से बन रहा है, देखिए आई आता है आपका 9 नंबर पे, एन आता है आपका 14 पे, एफ आता है 6 पे। तो यहाँ पे एक बार तो +1 चल रहा है और एक बार -1 चल रहा है, यानी कि आई 9 पे आता है, 9 में +1 किया तो 10 पे आपका जे आ गया। तो यहाँ पे जे इस तरीके से लिखा है क्योंकि इसके लिए हमें पता है कि ये कोड यूज हुआ है। फिर नेक्स्ट आपका -1 करके लिख दिया गया है। फिर यहाँ पे एफ में +1 किया तो 7 हो गया, 7 में आपका जी आता है। फिर उसी तरीके से -1 किया तो एन हो गया, फिर +1 किया तो एस हो गया, फिर -1 किया तो आपका 12 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे प्लेयर को लिखा जाएगा, तो प्लेयर आपका पी आपका 16 नंबर पे आता है तो +1 करेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 पे आपका क्यू आता है। उसी तरीके से आपको -1 करना है, के आ जाएगा, ए में +1 करेंगे तो बी आ जाएगा, वाई आपका 25 पे आता है -1 करेंगे तो 24 और 24 पे आपका एक्स आता है। फिर +1 करेंगे आपका ई में +1 6 पे आपका एफ आ जाता है। फिर -1 कर देंगे आर में से तो आपका क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्यू के बी एक्स एफ क्यू, तो क्यू के बी एक्स कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्यू के बी एक्स एफ क्यू, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने भी बिल्कुल ट्राई किया होगा, और जो भी जितने बच्चों ने भी राइट आंसर किया तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप ट्राई करिए, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दी गई अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर युग्म ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको नेक्स्ट बताना है किस तरीके से सीरीज यहाँ पे चल रही है वो फाइंड आउट करिए और नेक्स्ट आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, वीडियो को रोक करके ट्राई करिए। तो आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को रोक करके ट्राई कर लिया होगा, जो भी आपका राइट आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। तो मैं बताता हूँ इसमें चल क्या रहा है। तो दोस्तों ये सीरीज आपकी कुछ इस प्रकार चल रही है, +3 -5 और +4, यानी कि +3 करेंगे F, +3 करेंगे I, +3 करेंगे L और +3 करेंगे तो O आपका आ जाएगा। फिर -5 चल रहा है, -5 करेंगे तो T, -5 करेंगे तो O, -5 करेंगे तो J और -5 करेंगे J में से तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E, ठीक है, तो O और E आपका बन गया। फिर नेक्स्ट आप क्या करेंगे, फिर +4 करेंगे, +4H, +4L, +4P और +4 कर देंगे आपका T, तो OET इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा A राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इनमें से आपको बताना है कि पक्षी, तोता और चमगादड़ के बीच में कौन सा वेन डायग्राम सही है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत आंसर लगा सकते हैं क्योंकि पक्षी यहाँ पे बोला गया और तोता तथा चमगादड़ बोला गया है। तो देखिए तोता और चमगादड़ दोनों में से पक्षी होता कौन सा है, और या दोनों ही पक्षी होते हैं या इनमें से कौन सा पक्षी नहीं होता है। तो सभी को पता है तोता तो पक्षी होता है, क्या चमगादड़ भी पक्षी होता है, तो चमगादड़ पक्षी नहीं होता है, सबसे पहले तो यही जान लीजिए। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन है, ये बिल्कुल एक सेपरेट अलग हो जाएगा। तो आपको एक वेन डायग्राम ऐसा देखना पड़ेगा जिसमें चमगादड़ को अलग शो किया गया होगा। तो ये तीनों को रिलेशन शो कर रहा है, गलत है, ये भी तीनों का रिलेशन शो कर रहा है, गलत है, ये भी तीनों का रिलेशन शो कर रहा है, तो गलत है। तो यहाँ पे देखिए जो तोता है वो तो पक्षी हो जाएगा, बट चमगादड़ पक्षी नहीं होता है, ये स्तनपायी होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने बच्चे ये राइट आंसर मतलब कि गलत लगाने वाले थे, ताकि जैसे कि ये, क्योंकि ये दोनों तोता और चमगादड़ दोनों के दोनों को पक्षी बना के यहाँ पे राइट आंसर आप लगा सकते हैं, बट ये गलत है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गया बोला गया है कि दी गई संख्या श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको ये वाला लुप्त पद ज्ञात बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो ट्राई करिए, आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल इसका राइट आंसर दे सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बेसिकली चल क्या रहा है, देखिए प्लस इनके बीच में डिफरेंस कितना है भाई, इनके बीच में डिफरेंस है 9 का, यानी कि +9 चल रहा होगा, क्योंकि मैंने बता रखा है सीरीज अगर ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज नहीं है तो प्लस ही चलेगा, कुछ और नहीं चलेगा, ठीक है। बट नेक्स्ट अगर मैंने देखा तो यहाँ पे 11 प्लस हो रहा है, फिर नेक्स्ट मैंने देखा तो यहाँ पे 13 प्लस हो रहा है, तो नेक्स्ट आपका क्या प्लस होगा, देखिए इनके बीच में डिफरेंस +2, ठीक है,
प्लस टू, तो यहाँ पे 13 में भी प्लस टू चलेगा तो कितना 15, यहाँ पे 15 प्लस करेंगे तो आपका 67 राइट आंसर हो जाएगा, और 67 में आपके 17 प्लस करेंगे तो 84 हो जाएगा, यानी कि 67 इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर कैसे रहा, यहाँ पे 15 प्लस हुआ, यहाँ पे 13 था, यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 9 था, तो इस तरीके से सीरीज चल रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, ट्राई करिए इसको भी, और एक बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या आएगा देखिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया होता है, क्योंकि सीरीज तो बहुत अलग अलग तरीके की बन सकती है, इसमें बहुत बहुत ही मतलब कोई सोच ही नहीं सकता कि कितने टाइप की बन सकती है, बट यहाँ पे जो ज़्यादातर केसेस होते हैं, जैसे ये आपको निकालना है, क्योंकि हम इन टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादातर केसेस ही देख सकते हैं, 100% श्योरिटी के साथ में ये नहीं बोला जा सकता कि हमेशा ये ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, इनका कुछ कॉम्बिनेशन बन के ये बन रहा होगा, तो अगर यहाँ पे बीच में कोई बहुत ही बड़ी नंबर लिखा है, ठीक है, तो जैसे नंबर यहाँ पे लिखे होंगे उनकी मल्टीप्लाई चल रही होगी, या उनका स्क्वायर चल रहा होगा, या उनका क्यूब चल रहा होगा, या उनका सम लिखा होगा, उन सभी को प्लस करके। कुछ 4-5 केसेस ऐसे ही बनते हैं, बट अलग अलग टाइप हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई -1 ये हो सकता है, कुछ इस तरीके से केसेस बन जाते हैं। बट बेसिकली यहाँ पे क्या चल रहा है, आपने ट्राई कर लिया होगा, ऐसा करता हूँ कि वीडियो को रोक करके, यहाँ पे क्या चल रहा है, इन तीनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, देखिए 8 * 3 = 24, 24 चौका कितना हो जाता है आपका 96, और 96 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा आपका 48, तो यहाँ पे 48 आ गया। तो यानी कि इन तीनों की 3 * 8 * 4 को 2 से डिवाइड कर दिया गया है, तो कितना आ गया, 48 आ गया। उसी प्रकार आपको क्या करना है, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है, 5 * 7 = 35 और 35 * 2 = 70, तो 70 को आप 2 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा 35, यानी कि आपका यहाँ पे आ जाएगा 35, यानी कि क्या चल रहा है, 5 * 7 * 2 और डिवाइड बाय 2, तो क्या आ गया, 35 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जितने बच्चे भी यहाँ पे देख रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल राइट आंसर मुझे चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा, अगर आप एक सेकंड के लिए भी इस क्वेश्चन को ध्यान से देख ले बस, तो आप इसको आंसर को कर सकते हैं। मुझे हर एक बच्चे का, जितने बच्चे भी यहाँ तक देखे हैं ना वीडियो को, तो सभी का आंसर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे क्या चल रहा है, आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को रोक करके ट्राई कर लिया होगा। प्लस वन चल रहा है सिंपली, यहाँ पे देखिए यू में प्लस वन किया वी, एच में प्लस वन किया तो आई, सी में डी, ठीक है, डी से ई, एन से ओ, उसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है। तो ओ से, ओ के बाद में क्या आता है, पी आता है, के बाद में एल आता है, जेड के बाद में ए आता है, एक्स के बाद में वाई आता है, डी के बाद में आपका ई आता है, और क्यू के बाद में आर आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एल ए वाई ई आर, प्लेयर, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है आपके एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में आ चुका है, तो इसको भी देख लीजिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, और देखिए कितने बच्चे इसको ट्राई करते हैं और क्या राइट आंसर आता है इसका। 10वें का राइट आंसर जरूर बताइएगा। तो देखिए 10वें में भी कोई खास कोई ऐसी सीरीज नहीं चल रही है, बट क्वेश्चन ठीक ठाक है ये भी। इसमें क्या चल रहा है, 13 का स्क्वायर माइनस 13, ठीक है ना, 13 का स्क्वायर माइनस 13, यानी कि 13 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 169, और 169 में से आप 13 को माइनस करके देखिएगा तो 156 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, 17 का स्क्वायर माइनस 17, तो 17 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 289, और 289 में से आप 17 माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा भाई, 272 बचेगा आई थिंक, हाँ 272 इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन देख लीजिए कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो आशा करता हूँ कि आपके पूरा टेस्ट पसंद आया होगा, और आपने पूरा टेस्ट इन्जॉय किया होगा, आपके जितने भी राइट आंसर सही हुए हैं 10 में से, तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस टाइप के टेस्ट लगातार मिलते रहें, तो प्लीज़ आप मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको इस टाइप के टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, और अगर यही पैटर्न बिल्कुल फॉलो करना है, इसी तरीके से टेस्ट लेने हैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं क्वेश्चन की भी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा। और इसकी PDF आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा टॉपिक स्टडी, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इन टेस्ट को खरीद करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो यहाँ पे RPSSI का जो टेस्ट है वो आपका 199 रुपये में, इसको मैं बार बार बताता रहता हूँ, गलती से लिखा गया था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को देखने, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।